आउट ऑफ कंट्री से लोगों की ख्वाहिश है कि आपको वहाँ फंक्शन बजाएं, कभी आई ऑफर क्या आप यूके आए या किसी और मुल्क में? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा। सोशल मीडिया पे बड़े अफेयर चलते हैं स्टारों के। नाज़रीन, आज अफेयर सामने आने वाला हम पूछ के रहेंगे, आपके कितने अफेयर हैं वो जरा बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ बैठी है बहुत ही बड़ी और खूबसूरत पर्सनैलिटी महक मलक। इनको कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। हम भी पहुंच गए महक मलक के पास और इनसे पूछेंगे बहुत फनी से सवाल और बहुत सारे ऐसे सवाल जो आप पूछना चाहते हैं हम पूछेंगे। मैडम जी से देखा, मैडम जी आज डायरेक्ट कर रही हैं, आज बहुत मजा आने वाला है, बहुत फन भी करना है, तो देखते रहिए शान पाकिस्तान चैनल को, फेसबुक और यूट्यूब को। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन से पहले कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जाहिद आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, पहले तो बहुत मेहरबानी, बड़ी मुश्किल से आपसे टाइम मिला है। बस आपको पता ही है ड्रामे के कितना रश है। मैं सच्ची बताऊं, जिले शाह हमारा ड्रामा माशाल्लाह सुपर डुपर हिट, जिले शाह ने पूरे लाहौर में पूरे पाकिस्तान में धूमे मचा देनी है। अभी जैसे आज मुझे लंदन से कॉल आई है और वहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि आपके ड्रामे की धूमे मची हुई है और कुछ लोग तो कह रहे हैं हम वहाँ से जो है ना आपके जो आखिरी दिन है उस दिन की हमने टिकट करवा ली है, हमने ये ड्रामा देखना है। लंदन से भी आ रहे हैं ड्रामा देखने के। तो नाज़रीन जिले शाह ड्रामा जो मैडम कह लंदन से लोग देखने के लिए आ रहे हैं, आप भी लाजमी आएगा। और इसमें कुछ सीन ऐसे हैं कि जो सीरियस लेने वाले बंदे रो पड़ेंगे, दुखी हो जाएंगे, ऐसे रो पड़ेंगे, रो पड़ते हैं, रोज रोते हैं रोज, और मैं उनको चुप कराती हूँ, प्लीज ना रोए नहीं तो मैं भी रो दूंगी। आप इस चक्कर में मत आइए कि हम रोएंगे और मैडम आके चुप कराएंगी। लेकिन क्योंकि ये एहसास दिल है, इनका सीन बहुत अच्छा है, तो बात करते हैं मैडम से जी। मैडम, इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो आपसे ज्यादा फेमस है। आप इस वक्त लोग कहते हैं, लड़कियां कहती हैं मैं स्टार हूँ, लेकिन आप सचमुच की स्टार हैं। मैं मानती हूँ वो सारी स्टार हैं। आप सचमुच की स्टार हैं। थैंक यू, ये आपकी, क्योंकि आप इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई लड़की स्टार, मैडम नरगिस के बाद अब वाहिद फनकार हैं, वाहिद स्टार हैं जिन्होंने हाल पैक किए हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो उसके बाद जितने भी स्टार हैं हमारे लिए रिस्पेक्ट इज्जत की जगह है। हाल पैक करना बड़े से बड़ा बड़ा मुश्किल काम होता है, और इतने दिन पूरे दिन सात दिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको कास्ट करना प्रॉफिट की जिम्मेदारी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी सारे प्रोड्यूसर ने मिला ले मेरा, जल्दी जल्दी मैं कास्ट कर लो फिर नोट कमा लो। अच्छा, आपको क्या फील होता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आप नंबर वन सुपरस्टार हैं, लड़कियों से भी ज्यादा फेमस है? ये तो फिर इंसान के देखे ना साथ साथ है, ये तो इंसान के अंदर है कि उसको ये आती हैं ये चीज़ें, इंसान के बस की बात नहीं है, मैं उनको दोष नहीं देती। तो मेरी दुआ ये है, मैं ये कर सकती हूँ कि अल्लाह उनको भी इज्जत दे, अल्लाह उनको भी नाम दे और अल्लाह उनको खुश रखे। जो जेलस करते हैं जेलसी ना किया करें, हसद ना किया करें, इससे आपका ही नुकसान है, बल्कि खुश हुआ करें। आप किसी के पास कोई नेमत देखते हैं, रिजक देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, आप उसको दुआ दें तो अल्लाह पाक आपको भी वो चीज़ देगा, आपको भी वो नेमत देगा। तो अगर आप जेलसी करेंगे तो आप वहाँ तक जा ही नहीं सकते। आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? मेरी माँ की दुआएं, मेरी माँ का सब्र। लोग ये जानना चाहते हैं कि महक मलक एक ड्रम के कितने के पैसे लेती है। लोगों के ज़हन में है कि महक मलक ने बड़े पैसे इकट्ठे किए हुए। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा। ये मैं नहीं बताऊंगा, इसका मतलब मैं नहीं बताऊंगा कि आप कितने पैसे कमाती है। बस अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे नसीब के वो मैं ले जाती हूँ और फिर उसके बाद प्रोड्यूसर के लिए दुआ करती हूँ कि अब अल्लाह इनको दे, फिर इनके लिए जिस दिन मैं एडवांस पकड़ लेती हूँ फिर मेरी इनके लिए दुआएं होती हैं, अल्लाह इनको रिजक देगा तो हमारी भी उसमें इज्जत। बड़ी परेशान कुन बात यह है कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, चाहत करते हैं, प्यार करते हैं, आपको फंक्शन में बुलाना चाहते हैं लेकिन आपसे रब्ता नहीं कर पाते। बड़े लोग कहते हैं यार महक मलक को फंक्शन में कहना, हम किस तरह रब्ता करें, किस तरह आपसे हम रब्ता कर सकते हैं लोग बआसानी आपसे? जी मैं अक्सर बताती रहती हूँ अपनी वीडियोस में, टिकटॉक पर, हर जितने मेरे प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टा है,
फेसबुक है, हर जगह बताती हूँ। झांग में गुरु सज्जो हैं, सरगोधा में रीमा जी हैं, और रावलपिंडी में शौकत भाई हैं, गुजरावाला में, रावलपिंडी में, पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं किसी ने फंक्शन बुक करवाना, सोनू जी हैं, सोनू कैसर, तो ऐसे वो मैंने सबका बताया हुआ है। तो आप इन लोगों से कॉन्टेक्ट करें। अच्छा, कितने के पैसे एडवांस लेती हैं लोगों को? होता ना कि जेन रखे कि यार इतने पैसे हमें देने पड़ेंगे, हम फंक्शन करवा सकते हैं। हर बंदे का ख्वाहिश है कि यार मैं महकमल को अपने कुछ में बुलाऊं। कितना का आप बयाना लेती हैं कि भाई इतने पैसे हों तो मुझसे फंक्शन कराने तो कोई बंदा मेरे पास नहीं? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है पैसों की, वो ईजी है, कोई इतना ज़्यादा बड़ी कोई अमाउंट नहीं है। मेरा ज़्यादा जो होता है ना, मेरी शरायत ये होती है कि आप सिक्योरिटी परमिशन लें, वहाँ पे ड्रंक ना हो, फायरिंग ना हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी ना हो कि जिससे किसी को भी कोई नुकसान हो। खुशी का मौका है तो आपको खुशी वाले काम करने चाहिए, जंग का मैदान नहीं बनाना चाहिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होती सिर्फ यही है, बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं है, वो सबको पता है, सबको जो मुझे शादी पर बुलाना चाहते हैं उन सबको पता है कि मैं क्या लेती हूँ। लो जी, आपका जो मसला हल हो गया, आप खुल के जेन बना लें जी, ये फंक्शन में आ जाएंगे। अच्छा, हम आपसे ये नहीं पूछते आप कितने पैसे कमाती हैं, छोड़ दी, गाड़ियाँ कितनी हैं आपके पास? नहीं, कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 है। कौन कौन सी है, हम आइडिया लगा लें? अभी मैंने रिसेंटली हवल ली है, और अल्टस है, और दूसरी एक और है, उसका मुझे अब नाम से याद नहीं आ रहा। आउट ऑफ कंट्री से लोगों की ख्वाहिश है कि आपको वहाँ फंक्शन बुलाएं, कभी आई ऑफर क्या आप यूके आएँ या किसी और मुल्क में? बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क से आते हैं ऑफर्स, लेकिन आज से 7-8 महीने पहले तक मुझे घर से अलाउ नहीं था, मेरी अम्मी की तरफ से परमिशन नहीं थी। अब 7-8 महीने पहले मुझे अम्मी ने इजाज़त दे दी है, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक ने मुझे छोड़ दी, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ रहा मुझे। एंकर देसी मिल गया, टाइम नहीं मिल रहा, पाकिस्तान की आवाम ही नहीं छोड़ रही, मैं क्या करूं। लव यू ऑल पाकिस्तान, सारे आगे बीच में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे, जल्दी जाएंगे इंशाल्लाह, हमारी दुआएं। आपकी शोहरत का राज क्या है, खूबसूरती, आपकी ड्रेसिंग या आपका डांस? कुछ भी नहीं, अल्लाह की रहमत, बेशक। हाँ, इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता, इंसान का कोई कमाल नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं बढ़िया अकलां वाला हूँ, बड़ा होशियार हूँ, तो मेरे तो बाद होशियार कोई नहीं, तो मैं अपनी होशियारी नाल काम लै जावांगा, तो झूठ है। अगर कोई कहे कि मैं सारी दुनिया नालों सोना वा, तो मेरी खूबसूरती का जादू है, तो झूठ है। तो मैं कहनी हाँ कि नसीबा की सारी खेड है, जिहदे नसीब च जो है वे उन्हें मिल जाना है। अकलां वाले, शकलां वाले, होशियारियां वाले सारे पिछे रह जाते हैं, नसीब जंग लै जा। सोशल मीडिया पर बड़े अफेयर चलते हैं स्टारों के, नाजरीन आज अफेयर सामने आने वाला, हम पूछ के रहेंगे आपके कितने अफेयर हैं वो ज़रा बताएंगे आप? मेरी सारी ज़िंदगी सबके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई अफेयर नहीं है, मैं बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह हूँ, और इंशाल्लाह कोरे कागज़ की गुजारूँगी अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फ़ैन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है? बिल्कुल। कोई ऐसा फ़ैन जो आज तक आप ना भूली हो, जिसने बड़ा तय किया और खुदा का वास्ता छोड़ दे? मैं नहीं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मैं उनकी मोहब्बत, उनका जुनून मैं भूल ही नहीं सकती, कोई एक नहीं, पता नहीं कितने हैं, रोज मिलते हैं। मैं कहती हूँ कि उनकी मोहब्बत आपको, आप ये देखें कि कैसा इंसान को लगता होगा कि आप किसी के सामने आए हैं और उसको आपके साथ इस हद तक चाहत थी कि वो आपको देख कर उसकी आंखों से आंसू ना बंद हो। कैसी बात है, और ऐसा ये मेरे साथ रोज होता है। अच्छा, और मैं किसकी तारीफ करूं और किसको छोड़ूं? रोज होता है कि वो मिलते हैं, कसम से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतनी मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का प्यार है, थैंक यू सो मच।